दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपको डर है, आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से आपको जान का खतरा हो सकता है, वह व्यक्ति कल को आपका जान तक लेने की कोशिश कर सकता है या फिर किसी भी तरह से आपकी क्षति पहुंचा सकता है, आप यहां पर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि अभी तक उसने आपको कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको आशंका है, आपको शक है कि भविष्य में वह आपका क्षति कर सकता है, तो फिर आप यहाँ पर पुलिस से किस प्रकार से शिकायत करेंगे, पुलिस को किस प्रकार से सूचित करेंगे ताकि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर वह व्यक्ति फंसे। ऐसा कई बार हालात होता है और उस हालात में आपको समझ नहीं आता है कि आप करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि आपके साथ कोई घटना तो होता नहीं है, तो फिर आखिर आप जाकर क्या थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे, और इस सिचुएशन में पुलिस भी आपकी शिकायत नहीं सुनेगी क्योंकि आपके साथ कोई भी क्राइम तो हुआ ही नहीं है। तो अगर आपको शक है, आपको डर है कि किसी भी व्यक्ति से आपको खतरा हो सकता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर पुलिस को एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दे देना है, पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन दे देना है कि फलाने व्यक्ति से मेरी जान को खतरा है और अगर कल को मुझे किसी भी तरह का कोई भी क्षति पहुंचता है तो उसका दोषी वह व्यक्ति होगा। लेकिन दोस्तों, आप ऐसे ही अगर थाने में जाकर पुलिस के सामने बोलेंगे कि आप मेरे इन्फॉर्मेशन को लॉज कर लीजिए, तो फिर पुलिस अधिकारी इतनी आसानी से आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वह सीधे बोलेंगे कि आप कोर्ट जाइए। लेकिन दोस्तों, आप सीधे कोर्ट यहाँ पर नहीं जाएंगे, पहले आप उसी थाने में जहाँ पर आपको टाल मटोल करके चला दिया गया, आप उसी थाने में लिखित में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी शिकायत को भेजें। आप एप्लीकेशन में जिक्र करें कि फलाने व्यक्ति से आपके जान को खतरा है और अगर कल को आपको किसी भी तरह से कोई भी क्षति पहुंचता है या फिर आपकी जान ही चली जाती है तो उसका जो दोषी होगा वह व्यक्ति होगा। आप पुलिस को लिख कर स्पीड पोस्ट कर दें या फिर आप अपने लॉयर से भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि वे पॉइंट बाई पॉइंट कहाँ क्या लिखना है वो अपने तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कल को अगर मामला ऊपर तक जाएगा तो जो आपका एप्लीकेशन होगा वह आपके केस का आधार बनेगा। तो आप अपने लॉयर से भी लिखवा सकते हैं या फिर आप खुद अगर एक्सपर्ट हैं आप लिख सकते हैं, आपको पता है, आप अच्छे से लिखते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपके लिखित में स्पीड पोस्ट करने के बाद पुलिस को आपकी इन्फॉर्मेटिव पिटीशन को लिखना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं थाने स्तर से आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर आप यहाँ पर ज़िले के SSP को लिखित में शिकायत करें। जैसे आपने थाने में लिखित में शिकायत किया था, वैसे ही ज़िले के SSP को शिकायत करें। फिर ज़िले के SSP के पास जाने के बाद आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा और वे थाना को निर्देश देंगे कि आपकी इन्फॉर्मेटिव पिटीशन को लॉज किया जाए। यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होगा बल्कि पुलिस एक इन्फॉर्मेशन लॉज कर लेगी आपके बिहाफ में। लेकिन मान ही लेते हैं कि SSP के पास भी आपकी बात नहीं बनती है, तब आप कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आप यह बताएंगे कि आपने थाने को भी कंप्लेन किया, ज़िले के SSP को भी किया और यहाँ पर आपके पास सबूत होगा, आपने जो स्पीड पोस्ट किया उसका रिसीविंग होगा, तो यह साबित करेगा कि आपने थाने में भी कंप्लेन किया, आपने ज़िले के SSP को भी किया। फिर कोर्ट के माध्यम से आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और आपका इन्फॉर्मेटिव पिटीशन कोर्ट में लॉज हो जाएगा। और अगर कल को आपको कोई भी खतरा होगा तो फिर वह व्यक्ति भी शक के घेरे में आएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके जान को खतरा है तो फिर आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।